अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का न्यूमेरिकल है वो है 7.10। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं हम क्या कह रहा है। अब सॉलिड ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास एक सॉलिड का ब्लॉक है, किस चीज़ का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है। उसके वो कह रहा है कि डेंसिटी जो है वो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वेट जो है वो 3.06 न्यूटन है। कहाँ पर है, हवा के अंदर। हम इसके दो चीज़ें फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, और दूसरी चीज़ हमने इसके फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक कब फाइंड करना है हमने इसका, जब उसको हम किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे। तो इमर्स करने के बाद जिस लिक्विड के अंदर उसको इमर्स किया है उसकी जो डेंसिटी है हमारे पास वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वुड जो है वो हमारे पास वो कितनी है, 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और जो वेट है हमारे पास, वेट ऑफ वुड कितने, वो 3.06 न्यूटन, ये जो हमारे पास गिवन है। तो अब जो है वेट है तो हमें पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो हम सबसे पहले इसका मास फाइंड करेंगे। तो मास फाइंड करने के लिए ये जी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा डब्ल्यू ओवर जी। तो वेट हमारे पास कितना है, 3.06 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा 0.306 किलोग्राम। तो इसको हम जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 306 ग्राम। तो अब हमें इसका ए पार्ट में देखते हैं कि हमने क्या कह रहा था, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो हम वॉल्यूम का फाइंड, डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास हमारे पास कितना था, 306 ग्राम, और वॉल्यूम जो है वो हमें इसका फाइंड करना है। डेंसिटी जो थी उसकी थी 0.6, तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा 306 डिवाइड बाय 0.6। तो ये जो है इसको हमारे पास ये आ जाएगा 510 cm क्यूब जो है हमारे पास इसका वॉल्यूम है। अब हम इसका जो है वो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है हमारे पास, बी पार्ट में हमने इसको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। कब हमने फाइंड करना है, जब हमने उसको किसी लिक्विड के अंदर इमर्स किया। तो जब लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो वहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये हमारे पास कितना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मास और डेंसिटी, जिस तरह हमने ये इसके अंदर फाइंड किया था। तो मास हमारे पास कितना फाइंड किया था, 306 ग्राम डिवाइड बाय, अब डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 0.9। 306 डिवाइड बाय 0.9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 340 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है मेरा आज के इस मेरिकल की जो है वो समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म